डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है उसके कैरेक्टर जानेंगे और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन। एक एक कैरेक्टर को लेते हैं अपन। सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, जिसके ऊपर खूब सारे कांटे लगे रहते हैं, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। ये स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर खूब सारे कांटे लगे रहते हैं। तो इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा का मतलब स्किन, यानी इसकी स्किन के ऊपर है वो छोटे छोटे स्पिकूस लगे रहते हैं, कांटे से लगे रहते हैं, जिनको अपन स्पिकूस कहते हैं। तो वो पूरी त्वचा के ऊपर बाहर पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं अपन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये पूर्णतया मेराइन जंतु है, समुद्रीय पानी में पाए जाने वाले जंतु है। नॉन कोऑर्डिनेटा फाइलम के अंदर एकमात्र ये फाइलम है जो जिसके सारे के सारे जीव, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक फाइलम और है जिसका नाम है पोरीफेरा, वो भी मेराइन है सारे के सारे, लेकिन वहां पर अपवाद है। स्पंजिला, जिसको अपन फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, वो केवल फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बाकी उस फाइलम पोरीफेरा फाइलम के जंतु भी सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर एक अपवाद है, वो है स्पंजिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेकिन फाइलम इकाइनोडर्मेटा का कोई भी जंतु फ्रेश वाटर में नहीं मिलता, सारे के सारे मराइन होते हैं, एकमात्र फाइलम है ये। लाइव इन बॉटम, समुद्र के पानी के अंदर ये बॉटम में नीचे पाया जाता है, लेकिन कुछ जंतुओं की, कुछ एनिमल्स की ऐसी हैबिट होती है कि वो डीप वाटर में मिलते हैं, और कुछ जंतु है वो शेलो वाटर में मिलते हैं, छिछले पानी में मिलते हैं, और कुछ है वो डीप वाटर में मिलते हैं। लेकिन चाहे वो डीप वाटर में मिले चाहे शेलो वाटर में मिले, वो जंतु सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के जंतु नीचे पैदे में पाए जाते हैं, और वहां पर फ्रीली मूवमेंट भी करते हैं, और कुछ जंतु है वो एक स्थान के ऊपर फिक्स भी रहते हैं। बॉडी स्फेरिकल। अब यहां पर इन जंतुओं में इकाइनोडर्मेटा के अंदर वो बॉडी है वो अलग अलग प्रकार की होती है, स्फेरिकल भी है, इलोंगेटेड भी है, और स्टार शेप्ड भी होती है, तारे नुमा भी होता है, तो कई प्रकार की मिलती है। कलर्ड जंतु मिलते हैं इसके, बहुत सारे जंतु वो कलर्ड भी होते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी का संगठन है वो सिस्टम ग्रेड का पाया जाता है, यानी यहाँ पे पूरे के पूरे जंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं, सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम है वो डेवलप्ड होते हैं, केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम को छोड़ करके, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये त्रिजन स्तरीय होते हैं, यानी एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, तीनों लेयर पाई जाती है। जो यहाँ पे सिलोम होती है वो कौन सी होती है, एंटेरोसिलिक सिलोम होती है। रेडियली सिमेट्रिकल, ये जंतु क्या होते हैं, अरीय सममित होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है यदि किसी जंतु को उसकी एक्सिस से होते हुए किसी भी प्लेन में, किसी भी तल में काटा जाए, फिर बराबर भाग बन जाते हैं जंतु के, तो उसको अपन रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, जो इकाइनोडर्मेटा के जंतु होते हैं उनके अडल्ट में हमेशा क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री। और वो रेडियल सिमेट्री ज्यादातर क्या होती है, पेंटामेरस होती है, क्योंकि यहां पे जो इकाइनोडर्मेटा के जंतु होते हैं उनमें बहुत सारे, मैक्सिमम मोस्टली जंतुओं में क्या होता है, पांच भुजाएं निकली रहती है, वो सारी की सारी लगभग एक जैसी होती है, तो ये पेंटामेरस होते हैं। रेडियल सिमेट्री के साथ में क्या, ये पेंटामेरस है, ये अडल्ट में है रेडियल सिमेट्री, जबकि लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा में खूब सारे लार्वा पाए जाते हैं जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ के जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनका कंकाल, अंतः कंकाल किसका बनाता है, कैल्केरियस होता है। कैल्केरियस एंडोस्केल्टन कवर्ड विद कैल्केरियस स्पिकुस, मैंने पहले बताया था स्पाइनी ऑर्गेनिज्म, तो बाहर इनके क्या पाए जाते हैं, कैल्केरियस स्पिकुस पाए जाते हैं, और अंदर अंतः कंकाल किसका बनता है, कैल्केरियस है वो भी। दे कंटेन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है किसका, इकाइनोडर्मेटा का, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को दूसरा नाम बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम।
पूरे जंतु के शरीर के अंदर एक पाया जाता है सिस्टम, जिसका नाम क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। और वो एम्बुलेक्रल सिस्टम क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सर्कुलेशन करता है, गैसी एक्सचेंज भी वही करता है, और जो वेस्ट होता है उसका एलिमिनेशन भी यही सिस्टम करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, विच सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। तो जो बेकार पदार्थ होता है उसका एलिमिनेशन रिमूव ही करता है, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन भी करता है और गैस का एक्सचेंज भी करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे स्टारफिश में। ट्यूब फिट फॉर लोकोमोशन, अब यहां पे लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन क्या है, ट्यूब फिट, इसके अंदर खूब सारी रेडियल कैनाल होती है और प्रत्येक रेडियल कैनाल के ऊपर खूब सारे छोटे छोटे क्या निकले रहते हैं, ट्यूब फिट निकले रहते हैं, जो हाइड्रोलिक मूवमेंट करते हैं। तो यहां पर ट्यूब फिट पाए जाते हैं चलने के लिए, और वो ट्यूब फिट रेस्पिरेशन में और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, कौन, ट्यूब फिट। इस तरीके से इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और उस रेडियल सिमेट्री के अंदर ये खूब सारे यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ट्यूब फिट लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर खूब सारे क्या पाए जाते हैं, ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं चलने के लिए, रेस्पिरेशन और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, पांचों भुजाओं में वेसल्स होती है, फाइव रेडिएटिंग वेसल्स होती है, हर्ट यहां पर अब्सेंट है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी यहां पर नहीं पाया जाता है। यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ओपन टाइप का भी है, हार्ट अब्सेंट है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब यहां पर देखो रेस्पिरेशन किसके द्वारा था, अलग अलग है, डर्मल ब्रेंकी या पेपुली एक ऑर्गन है जिसके द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है, जो कि स्टारफिश में होता है। जिनाइटल बर्सा जो ब्रिटल स्टार एनिमल उनमें पाई जाती है। पेरिस्टोमियल गिल यानी सियरचिन जंतु का नाम है जिसमें पेरिस्टोमियल गिल पाया जाता है, और क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्यूब जो कि होलोथुरिया में मिलता है। तो ये चार इस फाइलम के अंदर चार रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि अलग अलग जंतु में अलग अलग पाए जाते हैं, ड्रमन ब्रेंकी या पेपुली एक, जिनाइटल बर्सा दो, पेरिस्टोमियल गिल्स तीन, और क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्यूब, ये चार ऑर्गन है जो अलग अलग क्लास और अलग अलग एनिमल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहां पर कंप्लीट होती है, लेकिन ब्रिटल स्टार के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है वो अपसेट होती है। नर्वस सिस्टम में देखिए यहां पे ब्रेन नहीं है, नर्व रिंग नहीं है, तो फिर है क्या, यहां का जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली किसका बनाता है, रेडियल नर्व्स का। नो ब्रेन एंड नर्व रिंग, रेडियल नर्व्स, रेडियल नर्व कॉर्ड मेक नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में क्या पाई जाती है, केवल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ब्रेन अब्सेंट, नर्व रिंग अब्सेंट। पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन बहुत कम विकसित होते हैं। सेक्स इज सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मोस्टली जंतुओं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत कम जंतु होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा बनेगा, यहां पे जो भी लार्वा है वो सीलिएटेड होगा, उनमें खूब सारी सीलिया पाए जाएंगे और उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जो कि अपन ने पहले भी कहा है, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, जबकि इनके लार्वा में क्या पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री। अब यहां पर देखिए जो लार्वा है वो सीलिएटेड तो होंगे होंगे, और उनके नाम देखिए क्या है, बाइपिनेरिया जो कि स्टारफिश में होता है, ओफियोप्लूटियस जो कि ब्रिटल स्टार में होता है, डोल्यूलेरिया जो कि फीदर स्टार में होता है, और प्लूटियस जो कि सी अर्चिन में पाए जाते हैं। तो यहां पर खूब सारे प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं जिनके नाम क्या है, बाइपिनेरिया, ओफियोप्लूटियस, डोलियोलेरिया और प्लूटियस। यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, उत्सर्जन नहीं पाए जाते हैं, और इन जंतुओं के अंदर खूब सारी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, अपनी जो पेंटामेरस जो ये होते हैं अपनी एक भुजा को तोड़ देते हैं, वो भुजा है वो उसके वापस आ जाती है, तो इसमें खूब सारी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट अपन इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की दृष्टि से अपन देखें तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के दो सब फाइलम है, सब फाइलम दो है इसके, पहला तो है इलुथ्रोजोआ और सेकंड है परमेटोजोआ, दो फाइलम है, दो सब फाइलम है इसके।
क्योंकि इसके अंदर पांच क्लास बताई अपन ने, इन पांच क्लास को सबसे पहले अपन ने इन दो सब फाइलम में रखा है। पहले का नाम है इलुथ्रोजोआ और सेकंड का नाम है परमेटोजोआ। इलुथ्रो का मतलब होता है फ्री, इलुथ्रो का मतलब होता है फ्री, और जोआ का मतलब एनिमल, वो एनिमल जो फ्री स्विमिंग है, और परमेटो का मतलब होता है स्टार्ड, जिनमें व्रंत होता है, एक स्थान के ऊपर फिक्स होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इलुथ्रोजोआ सब फाइलम के जंतु फ्री स्विमिंग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आ जा सकते हैं। और परमेटोजोआ में क्या है, इनमें स्टाक होता है, इनके शरीर के नीचे एक व्रंत होता है छोटा सा, जिससे वो एक स्थान के ऊपर फिक्स रहते हैं। दोनों में यही अंतर है, ये फ्री स्विमिंग है और ये स्थानबद्ध एक स्थान पर फिक्स रहते हैं। अब इलुथ्रोजोआ के अंदर चार क्लास है, एस्टेरॉइडिया, ओफिरोइडिया, इकाइनोडिया और होलोथुरोइडिया। ये चार क्लास तो किस में आती है, इलुथ्रोजोआ के अंदर, और एक क्लास परमेटोजोआ किस में आती है, सॉरी क्रिनोइडिया किस में आती है, परमेटोजोआ में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के दो सब फाइलम है, एक है इलुथ्रोजोआ जिसके जंतु फ्री स्विमिंग है, और दूसरा सब फाइलम है परमेटोजोआ जिसके जंतु स्टार्ट होते हैं, एक स्थान पर फिक्स होते हैं। तो जो फ्री स्विमिंग होते हैं इलुथ्रोजोआ के, उनमें ये चार क्लास है, एस्टेरॉइडिया, ओफिरोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरोइडिया। जबकि परमेटोजोआ के अंदर एक ही क्लास है, पांचवी क्लास जो है वो क्रिनोइडिया है। अब अपन इन पांचों क्लास को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि इकाइनोडर्मेटा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन का आधार जो है, बेस जो है, वो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, और इसके अलावा इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जो जंतु है इकाइनोडर्मेटा के, जो सब क्लास है सारी की पांचों क्लास में आप देखोगे कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इनमें अलग अलग नहीं है, कैरेक्टर इनके मिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया है। और वो प्रयास, पहला प्रयास तो किया है कि इसके दो सब फाइलम बनाए, एक तो फ्री स्विमिंग इलुथ्रोजोआ और दूसरा जो है परमेटोजोआ जिसके जंतु स्टाक होते हैं। तो ये चार क्लास पहले में और पांचवी क्लास क्रिनोइडिया आती है, वो परमेटोजोआ में आती है। अब अपन इनको लेते हैं सभी को एक एक को। अपने सारी क्लास लिख रखी है, एस्टेरॉइडिया, ओफ्यूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथ्रोइडिया और क्रिनोइडिया। सबसे पहले देखिए एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया के अंदर जो जंतु आता है वो कौन सा है, एस्टेरियास और पेंटासिरोस, जिनके अंदर पांच भुजाएं होती है, वो है एस्टेरियास और पेंटासिरोस। एस्टेरियास और पेंटासिरोस में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल उनके साइज का और थोड़ी सी इनकी आर्म को जो निकली हुई होती है, इनका बेस जो होता है आर्म का, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये दो जंतु आते हैं किसमें, एस्टेरॉइडिया में। तो इस एस्टेरॉइडिया का क्या करेक्टर है, एक तो इनको सी स्टार्स बोलते हैं, इस क्लास में आने वाले सारे एनिमल्स को सी स्टार्स बोलते हैं, समुद्री तारे। मोस्टली फाइव आर्म इनमें, ज्यादातर में सब में क्या, पांच आर्म पाई जाती है, पांच भुजा होती है। आर्म नोट अराइज फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। देखिए ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जंतु है इस तरीके से पांच भुजा इनमें, ये पांच भुजा पाई जाती है। तो यहां कैरेक्टर देखिए, आर्म नोट अराइज फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, जो इनकी सेंट्रल डिस्क है उससे आर्म डिवाइड नहीं होती है, यानी देखने में ऐसा लगता है कि ये आर्म है वो किस जगह से बिंब, जो सेंट्रल डिस्क होती है उसके उसके आर्म नोट अराइज फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, मतलब सेंट्रल डिस्क से अराइज नहीं होती है कौन, आर्म। नेक्स्ट देखिए माउथ ऑन वेंट्रल साइड। अब इकाइनोडर्मेटा की ज्यादातर जंतु जो है, अपन होलोथुरिडिया इसको, क्रिनोइडिया और होलोथुरिडिया को छोड़ दीजिए, उसके बाद में क्या, सब में क्या दो साइड होती है, तो डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। वेंट्रल साइड में ज्यादातर क्या मिलता है, माउथ, उसको क्या बोलते हैं, ओरल साइड, और जो एनस मिलता है वो डोर्सल साइड में मिलता है और उसको बोलते हैं अबोरल साइड। तो यहां पर जो माउथ होता है वो कहां, ऑन वेंट्रल साइड, यानी ओरल साइड पे,
और जो एनस होता है वो डोर्सल साइड में, जिसको क्या बोलते हैं अबोरल साइड, क्योंकि इसकी भुजा है। तो ये वाली जिस ओर माउथ होता है वो क्या होगी वेंट्रल साइड, और जिस ओर एनस होता है क्योंकि इसका माउथ क्या होगा इस सेंट्रल डिस्क के ऊपर होगा, सेंट्रल डिस्क के ऊपर माउथ होगा, तो जिस ओर माउथ होगा वो साइड क्या कहलाती है वेंट्रल साइड या ओरल साइड, और जिस ओर एनस होता है वो कहलाती है अबोरल साइड या डोर्सल साइड। तो इसका मतलब इससे देखने से क्या लगता है आपको, डोर्सल साइड ऊपर है और वेंट्रल साइड क्या होगा नीचे की तरफ होगी। अब हम अमूमन क्या कहते हैं ऊपर वाली को डोर्सल साइड और नीचे वाली को वेंट्रल साइड। तो यहां पर डोर्सल साइड पर क्या होगा एनस, देखिए ऊपर जब ये पानी में तैरता है तो ऊपर की साइड में जो है वो क्या कहलाएगी, ये स्टार फिश है तो ऊपर की साइड क्या कहलाएगी इसकी, ऊपर की साइड क्या कहलाएगी डोर्सल साइड, अबोरल साइड, और उसके ऊपर क्या होगा एनस, इसका मतलब माउथ क्या होगा नीचे वाली साइड में, और नीचे वाली साइड क्या कहलाएगी वेंट्रल साइड या ओरल साइड। ठीक है आगे समझ में। आप देखिए ट्यूब फिट विद सकस, मैंने किसी कैरेक्टर में बताया था कि यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या कहलाते हैं ट्यूब फिट। अब इनके ट्यूब फिट के लास्ट में क्या पाए जाते हैं सकस पाए जाते हैं, जब ये चलता है मूवमेंट करता है तो उन्हें एक भुजा को आगे लेकर के उसके जो ट्यूब फिट होता है उसके आगे क्या होते हैं सकस होते हैं, जिनको आगे चिपका देता है और ये अपने आप में पीछे की चार भुजा को फ्री करके आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहां पर जो ट्यूब फिट होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं सकस पाए जाते हैं। पेडिस्लरी फॉर क्लीनिंग एंड कैप्चरिंग टिनी फ्रे, यानी इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे चिमटी नुमा फोर शेप नुमा एक संरचना लगी रहती है जिसका नाम क्या होता है पेडिस्लरी। वो पेडिस्लरी क्या करती है इसकी क्लीनिंग भी करती है, जो इसके ऊपर कीचड़ लग जाता है उसकी सफाई भी करती है, और फूड कैप्चरिंग का काम भी करती है, प्रे छोटे छोटे कीटों को पकड़ने का वो काम करती है, उसको क्या बोलते हैं पेडिस्लरी। रेस्पिरेशन यहां पर किसके थ्रू होता है पेपुली के द्वारा, अपने पहले भी बताया था पेरिस्टोमियल गिल बताया था, पेपुली बताई थी, रेस्पिरेटरी ट्री बताया था, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री बताया था रेस्पिरेशन में। तो यहां रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है पेपुली के द्वारा। फाउंड ऑन ओसिन, सारे के सारे समुद्र में मिलते हैं और समुद्र में भी कहां मिलते हैं बॉटम में। अब बॉटम में ये कहां पर है शेलो वाटर में है, ये जो छिछला पानी होता है समुद्र का वहां पर ये जंतु पाए जाते हैं किसके एस्टेरिया क्लास के, और इनमें जो लार्वा होता है उनका नाम क्या होता है बाइपिनेरिया लार्वा, और उसको ब्रेक्यूलेरिया भी बोलते हैं, ब्रेक्यूलेरिया लार्वा भी बोलते हैं। तो ये करेक्टर है एस्टेरिया के। उसके बाद में देखिए ओफी ओफ्यूरोडिया, यहां पर इनको क्या कहा गया ब्रिटल स्टार, एग्जाम्पल देखिए क्या ओफियोथ्रिक्स, यहां पर इनका नाम क्या है ब्रिटल स्टार, और इनको सरपेंट स्टार भी बोलते हैं सरपेंट स्टार, तो ये इनका कॉमन नाम हो गया। एक्चुअल जंतु कौन सा ओफियोथ्रिक्स। फाइव लॉन्ग विप लाइक आर्म, अब यहां पर जो आर्म है वो यहां पर भी पांच है फाइव है, और यहां पर भी कितनी है फाइव, लेकिन ये चाबुक नुमा है विप नुमा है, चाबुक नुमा पाई जाती है पांच और लंबी होती है। सेंट्रल डिस्क डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्म, देखिए ये करेक्टर और ये करेक्टर सेम है, यहां क्या कहा गया कि आर्म नोट अराइज फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, और यहां कहा गया सेंट्रल डिस्क डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्म। यहां देखिए ये एनिमल है ये एनिमल, और इसकी ये पांच भुजाएं निकली रहती है इस तरीके से। तो अपने अपने को एकदम से क्लियर पता चलता है कि ये सेंट्रल डिस्क है और इसे यहां से आरंभ निकली हुई है, इसमें यहां से निकली हुई है, इसमें यहां से निकली हुई है। सेंट्रल डिस्क डिस्टिंक्ट फ्रॉम आरंभ, यानी आरंभ डिस्क से जहां से निकलती है वहां एकदम से स्पष्ट पता चलता है। और यहां पर देखिए एस्टेरियस में क्या है सेंट्रल डिस्क से जो आरंभ निकलती है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि आरंभ डिस्क के कौन से स्थान से निकलती है, क्योंकि देखेंगे जब इसको तो बड़े ये इस प्रकार से दिखाई देता है ये वाला यो और यो दिखाई देगा ये इस प्रकार से, तो ये पता नहीं चलता है डिस्क में से कहां से ये किस पोर्शन से निकली हुई है, और यहां पर क्लियर दिखता है। नेक्स्ट देखिए माउथ प्रेजेंट, यहां माउथ तो है लेकिन एनस इंटेस्टाइन एम्बुलेटरल ग्रूव अब्सेंट है, माउथ प्रेजेंट है लेकिन एनस अब्सेंट है इंटेस्टाइन अब्सेंट है, इसका मतलब यहां पर इंजेशन का और इजेशन का कार्य कौन करता है माउथ, भोजन ग्रहण करने का भी और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है माउथ। ट्यूब फिट विद विदाउट सकर,
अब ट्यूब फीड तो यहां पर भी है चलने के लिए और यहां पर भी ट्यूब फीड है, लेकिन इनमें सकर्स नहीं होते। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बरसा, यहां पर रेस्पिरेटरी बरसा पाई जाती है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और इसमें किसके द्वारा होता है, पेपुली के द्वारा। फाउंड ऑन ओशियन फ्लोर, सारे के सारे बॉटम में पाए जाते हैं, लेकिन ये जंतु किसमें मिलते हैं, डीप एंड शेलो वाटर दोनों में मिलते हैं। और लार्वा का नाम क्या है, प्लूटियस और एग्जाम्पल ऑफ यूथ्रिक्स। थर्ड देखिए इकाइनोइडिया, यहां पे जंतु का कॉमन नाम क्या है, सी अर्चिन, सेंट डोलर। सेंट डोलर किसका नाम है, क्लाइपियस्टर का, क्लाइपियस्टर, क्लाइपियस्टर का कॉमन नाम है। सी अर्चिन किसका नाम है, इकाइनस का, इसका मेन जंतु कौन सा, एनिमल कौन सा है, इकाइनस, इकाइनोइडिया, इसी के नाम से क्लास का नाम क्या है, इकाइनोइडिया। दूसरा देखिए, डू नॉट हैव आर्म, यहां पर आर्म नहीं है, पांच भुजा नहीं है, यहां पर कोई आरंभ नहीं होती है। राउंड और ओवल शेप, जंतु एकदम से गोलाकार है। माउथ वेंटर साइड पर है और एनस डोर्सल साइड पर है। माउथ विद स्पेशलाइज्ड टीथ हो टू स्क्रैप फूड फ्रॉम रॉक्स, इनके जो माउथ होते हैं जो उनमें स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं जो कि रॉक्स के ऊपर से भोजन को खोजने का काम करते हैं, और वो जो टीथ की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं अरिस्टोटल लेंटर्न, यानी यहां पर जो स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो फूड को रोक, जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर से भी उसको निकाल करके ले आते हैं, तो उस संरचना को क्या बोलते हैं, जो दांतों की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं अरिस्टोटल लैंटर्न, अरस्तु की लालटेन भी बोलते हैं उसको। बॉडी कवर्ड बाय रिजिड स्केलेटन, अब यहां देखिए, यहां जंतु के चारों तरफ एक पूरा गोलाकार कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है, एक तरीके से कवच होता है, टेस्ट भी बोलते हैं उसको, वो पाया जाता है किसमें, इकाइनस में। ट्यूब फीड विद सकर, अब यहां पर ट्यूब फीड तो है लेकिन उसमें सकर पाए जाते हैं, और इसमें सकर है इसमें नहीं है। ओशियन फ्लोर, समुद्र के बॉटम में मिलते हैं लेकिन डीप एंड शेलो वाटर में। और जो लार्वा होता है वो इकाइनो प्रोटियस, और एग्जाम्पल क्या बताया अपन ने, इकाइनस। होलोथ्रोइडिया, क्लास चौथी है होलोथ्रोइडिया, एग्जाम्पल होलोथुरिया, इसी के नाम पर क्लास का नाम क्या है, होलोथुरोइडिया। सी कुकुम्बर इनका कॉमन नाम है। लार्ज बॉडी विदाउट आर्म, यहां पर भी आर्म नहीं है, यहां पर भी आर्म नहीं है। माउथ एंड एनस एट अपोजिट एंड, अब जंतु किस प्रकार का है, इस प्रकार से दिखाई देता है ये जंतु होलोथुरिया। तो इसके एक तरफ तो क्या होगा माउथ और एक तरफ क्या होगा एनएस, तो कहने का मतलब माउथ और एनएस है वो अपोजिट एंड पर होते हैं, और इसका जो माउथ होता है ना उनके ऊपर 10 से लेकर के 30 टेंटेकल पाए जाते हैं, इस प्रकार से टेंटेकल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या था होलोथुरिया। यहां पर पेडिसलरी नहीं है, यहां पर पेडिसलरी है। रेस्पिरेशन क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा होता है, और ट्यूब फीड विद सकर है। लार्वा का नाम क्या, ओरिकुलरिया नाम है, डोलियोलेरिया नाम है, और पेंटाकुलेरिया नाम है, और एग्जाम्पल अपन ने पहले ही बताया इसका नाम क्या है, होलोथुरिया। तो ये चार क्लास जो मैंने अभी बताई है, सॉरी ये जो चार क्लास बताई है वो कौन से सब फाइलम में आता है, इलुथ्रोजोआ में। अब अपन लेते हैं पलमेटोजोआ, जिसमें एक ही क्लास है जिसका नाम है क्रिनोइडिया। कैरेक्टर देखिए, सी लिलीज फिदर स्टार इनका कॉमन नाम है। कप शेप होते हैं, यहां पर आरंभ बॉडी विथ फाइव और मोर आर्म, यहां पर पांच आर्म भी हो सकती है, और इसके अलावा ब्रांचेज होती है, एक आर्म दो में डिवाइड हो जाती है, तो 12 ब्रांचेज की संख्या क्या होगी, ज्यादा, यानी आर्म पांच भी हो सकती है, पांच से ज्यादा दिखाई देती है। एट द एंड ऑफ आर्म प्रेजेंट पिनोस, इसकी जो आर्म होती है, इस प्रकार से जंतु है और ये इनकी भुजा है। आर्म प्रत्येक आर्म के ऊपर क्या, लास्ट में क्या निकले रहते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पिनुल्स। और उन पिनुल्स के अंदर ही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ट्यूब फिट होते हैं। पिनुल्स विच बियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ट्यूब फिट, यानी इन आर्म में आगे ब्रांचेज निकले रहती है, प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिनका नाम क्या है, पिनुल्स। ये पिनुल्स है, और इन्हीं पिनुल्स में इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और इनकी ट्यूब फीट भी होते हैं, लेकिन उन ट्यूब फीट के अंदर सकर्स अब्सेंट होते हैं। माउथ एंड एनस प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, जो इसकी ओरल सरफेस होती है, एक जो सरफेस है जिसी के ऊपर क्या होते हैं, जिसका
माउथ और एनस होता है, पेडिस्टली यहाँ पर प्रेजेंट होती है सफाई करने के लिए, और ये भी ओशन की फ्लोर यानी पेंदे में पाए जाते हैं, लेकिन ये डीप वाटर में मिलते हैं, और एग्जाम्पल है एंटीडोल। तो ये करेक्टर है पांच क्लास के। अब एक बार मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा, आप इसको यूं समझिए कि प्रत्येक क्लास के अंदर हरेक जन जो क्लास है उनके जो जंतुओं का कॉमन नाम दिया गया। देखिए एस्टीरोइडिया में सी स्टार, एस्टीरोइडिया में सी स्टार इनका कॉमन नाम है। ऑफिरोइडिया के जंतुओं का कॉमन नाम क्या है? ब्रिटल स्टार, सर्पेंट स्टार। इकाइनोइडिया का क्या नाम है? सी अर्चिन। और नहीं सॉरी, ये कॉमन नाम है सी अर्चिन, किसका है? इकाइनस का। सी अर्चिन का कॉमन नाम है, सेंट डोलिन का कॉमन नाम। होलोथुरोइडिया क्लास के जंतु का नाम क्या? सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, खीरे के जैसे दिखाई देता है। क्रिनोइडिया के जंतु सी लिलीज, फीदर स्टार, फेदर के लाइक दिखाई देता है, और सी लिलीज समुद्र में पाए जाने वाले जो प्लांट सी लिलीज है उसके जैसा ये दिखाई देता है एंटीडोल। तो ये इनके कॉमन नाम हो गए। इसके अलावा अपन इनके और अगर कंपेयर करना चाहे तो देखिए, जिससे ये याद भी हो जाएगा, पांच आर्म है, फाइव आर्म है, यहां पर भी फाइव आर्म है, इन दो में कोई भी आर्म नहीं है, इन दोनों में कोई भी आर्म नहीं पाई जाती है, लेकिन यहां पर आर्म पांच या पांच से ज्यादा होगी। माउथ और वेंट्रल साइड यहां पर, और यहां पर क्या माउथ प्रेजेंट है लेकिन एनस अब्सेंट है। यहां पर माउथ वेंट्रल साइड के ऊपर है, और यहां पर माउथ क्या है? अपोजिट एंड पर है यहां पे, और इस जगह पर माउथ कहां पर है? माउथ एंड एनस प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, एक ही सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो ये अपन इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर देखिए ट्यूब फीड में सकस है, यहां ट्यूब फीड में सकस नहीं है, यहां पर ट्यूब फीड में सकस पाए जाते हैं, यहां पर भी ट्यूब फीड में सकर पाए जाते हैं, और यहां के ट्यूब फीड पहली बात तो किसमें मिलेंगे? पिनुल्स में, और दूसरा उनमें सकर से नहीं पाए जाते। रेस्पिरेशन देखिए यहां पे पुली के द्वारा, यहां पे रेस्पिरेटरी वर्षा के द्वारा है, और यहां पर रेस्पिरेशन किसके द्वारा है? इसमें इकाइनोइडिया के अंदर ये है रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा है, यहां पर रेस्पिरेशन थ्रू क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस चीज को भी यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फाउंड ऑन ओशन, अब ये शैलो वाटर में, ये डीप एंड शैलो वाटर में, डीप एंड शैलो वाटर में, और इसके अलावा ये वाले जंतु डीप वाटर में, और ये वाले जंतु पाए जाते हैं डीप एंड शैलो वाटर में। तो कहने का मतलब ये केवल डीप वाटर में, ये केवल शैलो वाटर में, और ये तीनों के तीनों जो है बीच वाली जो सब क्लास है, बीच वाली जो क्लास है वो डीप वाटर में भी पाए जाते हैं और शैलो वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। लार्वा यहां पर बाइपिन एरिया, ब्रेकियल एरिया, यहां पर प्लूटियस, यहां पर इकाइनो प्लूटियस, यहां पर तीन प्रकार के ओरिकुल एरिया, डोलियल एरिया और पेंटेकुल एरिया, और क्रिनोइडिया के अंदर कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और ये सारा का सारा कंपेरेटिव मैंने आपको समझाया जिससे ये आपको याद भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आता है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको नए जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी क्वेरी है आपकी वो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। थैंक्स।